पवन सिंह, अंतरा सिंह, प्रियंका के साथ काम नहीं करते। जी हाँ, भोजपुरी की वो सिंगर जो आजकल अमूमन हर एक फिल्म, हर एक गानों में नजर आएंगी आपको। आपको बता दें कि अंतरा सिंह प्रियंका के लिए आप इतना ही समझ जाइए, लहंगा लखनऊआ और भतीजवा की मौसी जिंदाबाद गाने के बारे में अब आप ये समझ सकते हैं कि भतीजवा की मौसी ने महज एक महीने में 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है, तो वहीं पर लहंगा लखनऊआ ने भी अपने एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। लेकिन फिर भी इतनी ज़बरदस्त हिट देने के बाद क्यों पवन सिंह, अंतरा सिंह, प्रियंका के साथ काम नहीं करना चाहते? हाँ, तो क्या ऐसी बात है कि अंतरा सिंह प्रियंका के साथ पवन सिंह काम नहीं करना चाहते? आपको बता दें कि अंतरा सिंह प्रियंका की जो आवाज़ है, शायद वो पवन सिंह की ऑडियंस को सूट न करे। जिस तरह के गाने सुनती है वो, अब पवन सिंह अपने गानों में अश्लीलता को रंच मात्र भी जगह नहीं देना चाहते। और अगर आपने अंतरा सिंह प्रियंका को सुना होगा तो उनके गाने, भाई उनकी आवाज़ ही काफ़ी अश्लील लग जाती है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा मोस्ट ऑफ सुनने वाले कहते हैं। लोगों का कहना है कि अंतरा सिंह प्रियंका की आवाज़ में वो दर्द, वो कशिश नहीं है, बल्कि वल्गैरिटी नज़र आती है। ऐसा हम फिर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम तो वही कहते हैं जो मीडिया में खबरें चलती हैं, जो सोशल मीडिया पर हावी रहती हैं। और आपने देखा होगा कि अभी तक अंतरा सिंह प्रियंका के साथ पवन सिंह ने कुछ काम नहीं किया है। फिर निरहुआ हो, समर सिंह हो, रितेश पांडे हो, खेसारी लाल यादव हो, सभी के साथ अंतरा सिंह प्रियंका ने गाया है और गाने जबरदस्त हिट भी रहे हैं। लेकिन पवन सिंह की जोड़ी अगर किसी के साथ जमी है, भाई वो सिंगर इंदु सोनाली हैं और प्रियंका सिंह हैं। ज़्यादातर इन्हीं के साथ पवन सिंह गाते हैं। इसके लिए तो पवन सिंह ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन बताया जाता है कि पवन सिंह को अंतरा सिंह प्रियंका की इस तरह की आवाज़ जो है, जिसमें से वल्गैरिटी या यूं कह ले अश्लीलता नज़र आती है, इस वजह से अंतरा सिंह प्रियंका के साथ पवन सिंह काम नहीं करना चाहते। क्योंकि पवन सिंह अब भोजपुरी में अपने हिस्से की अश्लीलता को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसे गाने आए जहां पर उनके हिस्से ये दाग लगे कि पवन सिंह भोजपुरी में अश्लीलता फैलाते हैं। पहले की बात और रही, लेकिन अब पवन सिंह ये कहते हैं कि अश्लीलता से वो कोसों दूर रहना चाहते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।